मेहताब साहब सामकुम बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए मेहताब साहब गुफ्तगू का आगाज तो आपकी जो हालिया आपने जो रिपोर्ट एक और जो आर्टिकल फाइल किया है उस हवाले से आपकी स्टोरी जो थी जिसमें जीडीपी के पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर जो रिवाइज नंबर के हवाले से और आपने कहा कि क्वार्टरली नेशनल अकाउंट्स चूंकि पाकिस्तान इज बाउंड फॉर प्रिपरेशन एंड डिसमिनेशन जो कि आई के साथ आपने तय भी किया है आ, उसके मुताबिक आप कह रहे हैं जो आपके सोर्सेज ने आपको बताया है कि जो प्रोविजनल जी के ग्रोथ फिगर जो सामने आया था पी गवर्नमेंट की जानव से पॉइंट का स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड उसमें आप कह रहे हैं कि बड़ा ये संगीत तीन हद तक एक मैसिव इसमें मनफी रुझान देखा जा सकता है देखें उस टाइम जो ग्रोथ के नंबर्स हैं इसके बारे में रिपोर्ट्स भी छपी थी और ये बेसिकली ये था कि काफ़ी हद तक उन ग्रोथ के नंबर्स को मालिश करने की कोशिश की गई है तो उसके नतीजे में जो नेगेटिव ग्रोथ थी उसको पॉजिटिव दिखाया गया और उस टाइम भी ये आया था और हम सब ने लिखा था कि प्रोविजनल जो नंबर है ये आगे चल के रिवाइज होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये लास्ट फिस्कल ईयर की आप लास्ट फिस्कल ईयर की बात है जब बजट की एक्सरसाइज होती है उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे में ये नंबर आता है तो उस टाइम में ये पता था जो इकोनॉमिक रिपोर्टर्स हैं हमें कि ये ए, जो है वो नेगेटिव हो जाएगी अभी इन्होंने स्लाइटली पॉजिटिव करने की कोशिश की है अब जो आई का प्रोग्राम है उसका ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और स्ट्रक्चरल बेंच है कि आप क्वार्टरली नंबर हम जारी करेंगे तो उसकी एक्सरसाइज जो है वो जारी है आप देख लीजिएगा कि ये ग्रोथ जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगी और कम से कम माइनस वन परसेंट या उससे ज्यादा माइनस हो सकती है कम कम से कम नहीं हो सकती क्योंकि उसकी वजह ये है अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ भी देखें तो आपको कंसिस्टेंटली नेगेटिव जो ट्रेंड है वो नजर आ रहा है और उस टाइम जो है वो नेगेटिव दिखाई गई थी लेकिन इतनी नेगेटिव नहीं दिखाई गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर और बाकी सेक्टर्स के अंदर इस तरह की लाइट फजिंग की गई थी कि जिसके नतीजे में

परसेंट से 6.10% तक देखें इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की गई थी और प्रेशर्स भी हैं डेफिनेटली ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो लोग हैं अगर आप कोई उनसे अंडरउथ पूछ ले तो वो इस बात को कंफर्म कर देंगे और इस कोई शक नहीं है कि इतना माइक्रो मैनेज किया गया था कि उनसे यहाँ तक मैनेज किया गया कि 2017-18 में अगर हमारी ग्रोथ 6.12% है तो उससे कम दिखाएं और 6.10 पे लेकर जाएं तो ये बड़ी क्लियरली बात है मैच करे, दो हजार सत्रह उससे कम नजर आए इस हद तक जो है वो मैनेज करने की कोशिश की गई थी और देखें बुनियादी तौर पर जी जी अंडर ओथ उनसे अगर कोई स्क्रूटनी करे और पूछ ले तो ये बात सर ये तो वायलेशन पेथ की भी हो गई है जिस तरह से अगर ये कॉम्प्रोमाइज पर नजर आ रहे हैं ये प्रेशर करके अगर ये फजिंग हो रही है, और टू दिस और आपने जो मेंशन ये भी है कि 2013 से में ये जो है भी की गई थी ग्रोथ फिगर जो है उस वक्त डिक्लाइन कर रहे हैं मुझे याद है जी कि एक क्वार्टर में जब पाकिस्तान की ग्रोथ का नंबर दो हजार की बात है जब एक क्वार्टर में ग्रोथ का नंबर अच्छा आया था तो दिखाया गया था दूसरे क्वार्टर में इसलिए पी को नंबर जारी नहीं करने दिया गया था चूंकि उस क्वार्टर में ग्रोथ नीचे नजर आ रही थी तो ये तो होता रहा है पाकिस्तान में पाकिस्तान में नंबर्स की फजिंग इसीलिए आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इन्हीं वजुहत की बुनियाद पर और इसी वजुहत पे पी को यह कहा गया था कि हम ऑटोनमी दे रहे हैं लेकिन ये अटोनॉमी आपके सामने ये है। का हाल यह है कि नंबर जो है वो डाउनवर्ड रिवाइज करके प्रेजेंट की जा रहे हैं और इस फिर ऐसे में ये जो इतना बड़ा दावा किया था लास्ट हुकूमत ने जाते जाते जुलाई की आपको याद होगा एक इकोनॉमिक आउटलुक वो जो रिपोर्ट सामने आई थी इकोनॉमिक अपडेट और आउटलुक की जुलाई 2023 की उसमें कहा था कि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं स्टर्न डिसीशन हैं उनकी वजह से एक सस्टेनेबल पाथ की तरफ मुल्क को इस क्राइसिस से बाहर निकल के एक सस्टेनेबल पाथ की तरफ लेकर चले जाया गया है वाकई में मतलब माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल करते हुए बताऊं जितने नंबर अगर आप कंपेरिजन करें दो से 2017-18 के दौरान पाकिस्तान की इकॉनमी के नंबर्स बहुत बेहतर थे 2013 से लेके 2022 तक जब पीडीएम की हुकूमत आई पीटीआई की हुकूमत थी तो बुरे हुए नंबर लेकिन इनके जो सत्रह माह थे इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इनके ज़माने में इन्फ्लेशन को देख लें आप पाकिस्तान की हिस्ट्री की हाइस्ट इन्फ्लेशन ग्रोथ इस फजें के बावजूद पाकिस्तान की हिस्ट्री की दूसरी या तीसरी सबसे ज़्यादा कम ग्रोथ जो कि 1971 के बाद ए, जो उसके बाद आप देखें तो कोविड के ज़माने में जो है वो ग्रोथ लो हुई थी और फिर इनके ज़माने में हुई फजिंग के बावजूद स्लाइटली पॉजिटिव हुई एक, डेट देखें आप इनके ज़माने में जितना डेट बढ़ा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बढ़ा तो इनका दौर कोई सुनहरी दौर नहीं है बल्कि पाकिस्तान की अगर हिस्टोरिक ट्रेंड देखें तो सबसे बुरा दौर था